वही के है लोकल ना पास की गाड़ियां तो पहले तो एक काम की जो जमीन सरकारी जमीन पे सारे कभी जब गांव में ये परंपरा चलती आई किसी बात कुछ नहीं ये 30-40 साल से यहाँ पर लोग रह रहे और इन्होंने मतलब इनकी गाय वगैरह वो खोल के निकाल दी वहाँ से इनके घर के जो रास्ते वो बंद कर दिए तारबंदी कर दी और वहाँ पे ये बसत सिंह जी ये जो खड़े है इनकी मकान बड़ा हुआ 30 साल में डबल ए का चार्ज देना था ताकि उनके सैलरी। मामला ये है कि शिव पंचायत तहसील का जो गांव है बालासर वहाँ बालासर में कुछ दबंगों ने मिलकर के वहाँ ये जो बस्ती सिंह जी खड़े हैं आज से 15 दिन पहले एकदम दावा बोल करके 50-60 लोग लाठियाँ हथियार लेकर के वहाँ इकट्ठे होकर के आए। इनका मकान जो 30 साल से बना हुआ है वो सरकारी ज़मीन में ही बना हुआ वहाँ पे गाँव में तो वैसे अमूमन यही होता है कि मतलब सरकारी ज़मीन जहाँ खाली होती वहाँ मकान बना देते तो वहाँ आकर के 10 बीघा ज़मीन पर कब्जा कर लिया और इनका जो निकलने का मेन रास्ता था उस मेन रास्ते के एकदम आगे आकर के फेंसिंग करके इनके जो गायों का बाड़ा था वो गायों का बाड़ा गिरा दिया गायों को भगा दिया बच्चों को भगा दिया। अब ये परिवार जो है बस्ती सिंह का परिवार और 3-4 और परिवार 15 दिन से वहाँ जो जंगल में जा करके रह रहे हैं छपरा बना करके वहाँ रह रहे थे। हम कलेक्टर साहब और एसपी साहब से यही मिले इसको लेकर के मिले थे कि भी न्याय किया जाए और वो रास्ता खुलवाया जाए जो अतिक्रमण जिन लोगों ने किया 10 बीघों पर उस अतिक्रमण को वहाँ से तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आज कल में 2 दिन में कार्रवाई करवाएंगे और वो रास्ता भी खुलवाएंगे और अतिक्रमणियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।